दोस्तों टैक्स ऑफ वेल्थ में आपका स्वागत है शाम के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगेन आज का मार्केट फिर बुरी तरह से कि रिकॉर्ड नीचे आया और 8468 पे निफ्टी बंद हुआ जो कि 498 पॉइंट नीचे था। सेंसेक्स 28,670 के आसपास बंद हुआ, 1709 पॉइंट नीचे रहा। आप कह सकते हैं कि अभी भी कोई बॉटम का पता नहीं है, कहाँ जाके ये मार्केट रुकेगा कहना मुश्किल है। ये पूरा मार्केट स्टिल रेट पेमेंट में चल रहा है, इन्वेस्टर अपने पैसे लूज कर रहे हैं, बट उनके लिए अच्छा है जो कि स्मॉल इन्वेस्टर हैं और अपने स्टॉक को एवरेज करके रखा हुआ है, अदरवाइज आप मैसिव लॉस ले सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पेटीएम बैंक ने आज अनाउंस किया कि वो 10 मिलियन वर्चुअल वीजा कार्ड इशू करेगा जो कि आने वाले टाइम में वो वर्चुअली ही यूज हो पाएगा, यानी कि एक नए तरह का कार्ड होगा जो कि ऑनलाइन ही आपको डिजिटल फॉर्मेट में होगा और उसे यूज किया जा सकता है। इंडिगो एंड विस्तारा ने भी अपने बहुत से फ्लाइट ग्राउंड करने की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि उनके भी काफ़ी फ्लाइट ग्राउंडेड कर दिए जाएं क्योंकि उस हिसाब से उनके पास ट्रैफिक नहीं है। इन्फोसिस ने भी 10,000 अपने ट्रेनी को बोला कि आप घर पे आराम करें, कोरोना वायरस की वजह से वो अभी किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि कोरोना वायरस का जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कारण मॉर्गन स्टैनली कहा कि जो रिसेशन है 2001 का जो रिसेशन था, हो सकता है कि ये रिसेशन उससे भी खतरनाक हो, यानी कि जो मार्केट आप देख रहे हैं मंदी की तरफ बढ़ रहा है उसको कहा जा रहा है कि पहले 2008-09 से कंपेयर किया जा रहा है, अब 2001 से कंपेयर किया जा रहा है ताकि कि जो रिसेशन का जो फॉर्मेट है वो उतना नीचे होगा। इसी में इंडस बैंक ने आज अनाउंस किया कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत तरह के मार्केट में जो र्यूमर चल रहा है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक के पास एडुकेट कैपिटल और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी बीच ADB ने भी कोरोना वायरस को देखते हुए अनाउंसमेंट किया है कि $6.5 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है केवल डेवलपिंग कंट्री मेंबर के लिए, यानी कि ADB को भी लग रहा है कि ये जो मामला है इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मार्केट को पैसे की जरूरत है, उन्होंने भी $6.5 बिलियन इशू किया है। हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनी की भी हालत बहुत ख़राब है, उनके NPA बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अगर आप पीछे से देखें तो मार्केट काफ़ी दिनों से अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से जो फ्लैट्स के स्टॉक है उसमें इंक्रीज हो रहा है लेकिन बायर अपना टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा है क्योंकि मार्केट की जो हालात है उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर रहा है वो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी के लिए भी बहुत बुरा रहा है। अब कल देखते हैं कि क्या होता है क्योंकि मार्केट अभी जिस हिसाब से रैली चल रही है नीचे की तरफ, ये अभी बाउंस बैक करना डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या कोई अच्छी न्यूज़ आती है या नहीं आती है। US ऑलरेडी काफ़ी ट्राई कर रहा है, उनके फेड ने काफ़ी पैसे मार्केट में लगा रखे हैं, लेकिन अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि ये कहाँ जाके रुकेगा। आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।